अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम जल्दी जल्दी उठना, नाश्ता बनाना, बहुत सारे काम वेट कर रहे होते हैं, तो दिल तो नहीं करता उठने का, लेकिन उठना तो है। क्या कर सकते हैं, घर के काम भी इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी करना ज़रूरी होते हैं। और बताएं आज क्या प्लान है आप सबका, क्या खाने में बनाना है, कहीं जाना है या घर पे ही टाइम स्पेंड करना है। मैं आज आपसे रूटीन शेयर करती हूँ आपने, कि आज मैंने कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है। पहले नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में मैंने खाया था पराठा और कढ़ी। कढ़ी हमारे नेबर्स ने भेजी थी रात को, तो फिर मैंने सुबह के लिए संभाल रखी थी, क्योंकि पराठे के साथ तो बहुत मज़ा आता है कढ़ी। और फिर सुबह चाय ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने साथ चाय, कढ़ी और पराठा मज़े ले ले के खाया। तो जी होते हैं तैयार। ये मेरा सूट रेडी था, मैंने प्रेस कर लिया था। ये है खाड़ी का 2 पीस, ये मुझे बहुत पसंद है। लॉन्ग शर्ट है आजकल के फैशन के मुताबिक। चलें जी तैयार होते हैं और जाते हैं हम। यहाँ मुल्तान का एक एरिया है भुज विलास, वहाँ हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। फैमिली की वीडियो बना नहीं सकती थी, तो सोचा रोड की ही वीडियो क्यों ना बना ली जाए। उसके बाद हमारा कुछ प्लान था कि हम सब मिलकर खाने जाएंगे कैंट में गोलगप्पे। कैंट के गोलगप्पे बहुत फेमस है, आप मुल्तान आए तो ज़रूर खाइएगा। और ये है शर्ट एंड टाई है यहाँ पर कैंट में, उसके सामने खड़ा होता है। बहुत मज़े के होते हैं, मीठे खट्टे जो आपका दिल करे खाएं। और ऐसे ही थोड़ी बहुत शॉपिंग का सोचा चलें जी कर लेते हैं। यह गुलगश्त का एरिया था, वहाँ बैठ के हमने सोचा कि यहीं से कुछ बर्गर वगैरह खा लिए जाएं। मतलब मगर कभी बारबेक्यू का प्रोग्राम बन रहा था और कभी बर्गर का, कुछ समझ नहीं आ रही थी। वैसे बर्गर के लिए ये जगह भी बहुत अच्छी है, ये लुलू सर के सामने है, लुलू सर ब्रांड है उसके बिल्कुल सामने। बहुत अच्छे बर्गर्स मिलते हैं, आइसक्रीम भी बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन सोचा चलें थोड़ी बहुत शॉपिंग करके क्यों ना बारबेक्यू खाया जाए, तो हम चल पड़े बारबेक्यू खाने। अब हम बारबेक्यू खाने आ गए हैं। हमने चिकन टिक्का मंगवाया था और सीख कबाब, साथ ये ग्रीन चटनी थी, इमली की चटनी थी, अच्छा था। पर इनके नान बेस्ट थे, थोड़ा सा फीका था। हम लोग ज़रा चटपटा खाते हैं तो ज़रा मज़ा नहीं आया इतना। चलें जी ये आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर अपने फ्रेंड से ज़रूर करना है। और अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।